है तो अभी दिखाता हूँ। This meeting is being recorded. कौन सा फोल्डर था? फोल्डर बनाया था कल किस नाम से? यूकेट फोल्डर के अंदर कौन सा था? सितंबर वन करके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करी, लेट्स से इस फाइल का नाम कुछ भी लिख लेते हैं, कॉन्टेक्ट डॉट एस टी एम एल। लेट्स से मैंने एक नाम लिख दिया, ठीक है। शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर प्रेस। किसी बच्चे का अगर नहीं हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा, ठीक है, अगर नहीं हो रहा है है कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन है एचटीएमएल सैंपल और एंटर प्रेस कर देना है, क्लियर। अभी इसमें कुछ चीजें ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड होके आ गई हैं। कौन कौन सी? एक तो ये स्टाइलिंग का और एक जीएस का, ये आपने अभी नहीं पढ़ा है, क्लियर। तो बस इसको अगर अभी नहीं पढ़ा है तो आप हटा सकते हैं, कल के दिन जब पढ़ेंगे तो तब यूज कर लेंगे, बाकी हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। क्योंकि वीएस कोड के नए वाले वर्जन पे ही अपडेट है, कि अभी कंट्रोल प्लस स्पेस यूज होने लगा है, शिफ्ट प्लस एक्स मेरे वाले पर क्यों यूज होता है? क्योंकि ये पुराने से ही धीरे धीरे जैसे जैसे नया आता जाता है इसे मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है, तो इसलिए पुराना भी दिखाई देता है शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क वाला। इसके में नहीं चल रहा है तो कंट्रोल प्लस स्पेस यूज करना है और एचटीएमएल सैंपल सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है, क्लियर है, ठीक है। ये शॉर्टकट्स हैं, इसीलिए ये मान के चलो जो बच्चे बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं, कितने हैं यहाँ पर बीटेक कंप्लीट? एक दो, उसके उसके अलावा बाकी बीसी के बाद जॉब करनी है या कंपनी अभी पढ़ना है? आगे अभी पढ़ोगे एमसीएमसीए करोगे? ठीक है, तो एमसीएमसीए करोगे तो अभी आप लोग अपने हिसाब से इसी को जो कंप्लीट कर चुके हैं बेसिकली वो ये मान के चले कि भाई आईटी चेंज होती रहेगी, ठीक है, नए वर्जन आएंगे, नए अपडेशन आएंगे, आपको अपडेट होते रहना पड़ेगा, ठीक है। जो बंदे अभी पढ़ेंगे तो अभी भी पुरानी सभ्यता को ही पढ़ेंगे, ठीक है, एमसीए करेंगे तो फिर से वही पढ़ेंगे तो उन्होंने बीसीए में पढ़ा था, ठीक है, फिर दो साल बाद कुछ नया आ जाएगा तो फिर उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। ये गारंटी नहीं है कि तब आपके पास रिएक्ट होगी या नहीं होगी, तब नोड होगी या नहीं होगी, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ नया आ गया तो फिर कल के दिन नया पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आप जिस हिसाब से भी पढ़ रहे हैं उस अकॉर्डिंग समझे। जो बंदे वर्किंग के स्टाइल से हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि भाई वीएस कोड कल के दिन अपडेट होगा तो शॉर्टकट चेंज हो सकता है, फिर उस समय मत ये मत कहना कि सर ने तो कंट्रोल प्लस स्पेस बताया, ठीक है। जो फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं, जो किताब के लिए पढ़ रहे हैं वो अभी एमसी करेंगे, अभी तो अभी लगेगा टाइम, ठीक है, अभी उन्हें 3 साल लगेगा समझते हैं। बॉडी वाले सेक्शंस पे हम लोग गए, इस बॉडी वाले सेक्शंस पे हम लोग लिस्ट पढ़ते हैं, लेट्स से, ठीक है। एचटीएमएल में 3 तरीके की लिस्ट होती है, इस लिस्ट में सबसे पहली लिस्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट, मैंने ओएल यूज किया। इस ओएल के अंदर मैं क्या डिफाइन करता हूँ? एलआई लिस्ट आइटम्स, और लिस्ट आइटम्स में लेट्स से मैंने कोई भी एक लिस्ट आइटम डिफाइन कर दिया एचटीएमएल, और अगला मैंने लिस्ट आइटम्स डिफाइन कर दिया लेट्स से सीएसएस, फिर अगला एक लिस्ट आइटम्स डिफाइन कर दिया जावास्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस है सेव, ठीक है। जितने भी लिस्ट आइटम्स आपने देने हैं ओएल के अंदर यूज होता है एलआई, आपने इसे सेव किया, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर,
जाकर आप अगर आप पेज पर देखेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट आगे 1, 2, 3 इस तरीके की नंबरिंग पड़ी हुई आ जाएगी, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग पड़ रही है जो कि बाय डिफॉल्ट है 1, 2, 3 आता है। अगर आप इसके टाइप को चेंज कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर आए, आपने इसके टाइप को चेंज कर दिया, टाइप एक एट्रीब्यूट है जिसमें बाय डिफॉल्ट 1, 2, 3, 4 है। अगर आपने लिखा ए, तो अगर आप कैपिटल ए लिख रहे हैं तो टाइप किस पे कन्वर्ट हो गया, कैपिटल ए बी सी, ठीक है। जो भी आपने टाइप चूज किया, सेव किया, जाकर अगर पेज पर देखेंगे तो आपको ए बी सी डिफाइंड होगा, ठीक है। जो भी टाइप अगर चेंज करेंगे, अब टाइप कौन कौन से होते हैं इसको आपको पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप कैपिटल में आई लिख देते हैं, सेव करते हैं और जाकर पेज पर देखते हैं तो आपको टाइप कैसे दिखाई देगा, ठीक है, रोमन में दिखाई देने वाले हैं। क्लास टेंथ में ये क्वेश्चन था, क्लास टेंथ में था, नोटिस कर, ठीक है, कि क्या हम 1, 2, 3, 4 की जगह पर 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लास टेंथ में था, ठीक है, आज बीटेक करने के बाद नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि हम कभी ऐसा करेंगे नहीं, क्लास टेंथ में करते हैं। आप स्टार्ट किससे करना चाहते हो, 5 से, तो आपने स्टार्ट 5 लिखा, तो जाकर अगर पेज पर देखेंगे तो स्टार्ट किससे होगा, 5 से होगा। क्या हम नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो कर सकते हैं, कैसे, रिवर्स लिख, अगर आपने रिवर्स लिखा नंबरिंग क्या होगी, रिवर्स में होगी, ठीक है। तो हाँ कर सकते हैं, बट आज इसका कोई ऐसा यूज मुझे नहीं दिखता है, ठीक है, क्लास टेंथ में, ठीक है। वर्किंग टाइम पर बहुत सारी थ्योरी फेल है कि क्यों करोगे यार रिवर्स रिवर्स ऑर्डर पे, बाय डिफॉल्ट 1, 2, 3, 4 ही करोगे, या बुलेट पॉइंट लगाओगे या एरो लगाओगे, ऐसा करोगे ना, उल्टा थोड़ी करते रहोगे, नंबरिंग उल्टी लगाओगे क्या वेबसाइट पे, ठीक है, सिंपल से सेंस है, जो करोगे नहीं तो उस पर बात ही क्यों। बट हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में चलती हैं ऐसी चीजें, तो ऐसा हो सकता है, बस सिर्फ नंबर पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट लिख रहे हैं बी से या एन से और सेफ करके आप यहाँ पर लगे पड़े हैं कि भाई ये स्टार्ट एन से क्यों नहीं हो रहा था, तो वो नहीं हो सकता, सिर्फ नंबर पे हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसे रिमूव किया, आ गया मैं पेज पर, आ गया। अब लिस्ट दूसरी जो है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएलआई। इसके अंदर आप कितने भी एलआई लिख सकते हैं, आप यहाँ पर पेज पर आए, आपने एक और एलआई लिख दिया, लेट्स से एलआई पर आप आए, आपने लिखा भाई सी लैंग्वेज कंट्रोल प्लस एस, जाकर आप एलआई देखते हैं तो आपको एक और एलआई दिखेगा। वीएस कोड को यूज करने का फायदा दिखाता हूं मैं आपको, अगर मैं डेवलपर होता तो क्यों यूज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, हो सकता है भाई बीसीए वाला बच्चा ना समझ पाए मेरी बातों को, थोड़ा कोशिश करना अपने दिमाग को आगे बढ़ाने की, ठीक है। क्यों यूज करता मैं डेवलपर होता तो, मैंने कहा वेल बनाना है, इसके अंदर एलआई बनाने हैं, कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं, इंटरफेस से बन गए। वीएस कोड हेल्प कर रहा है किस चीज में, शॉर्टकट लिखने में। क्या बनाना है, एक ओएल बनाना है जिसके अंदर अंदर बनाने हैं, तो साइन लिख रहा हूं, ठीक है। क्या बनाने हैं, एलआई बनाने, कितने बनाने हैं, 5 बनाने, एंटर प्रेस, बन गए एलआई 5। बस बिल्कुल बीच में क्या करना है, सिर्फ डेटा डाल देना है, जो भी डेटा है, जावास्क्रिप्ट लिखना है, जावास्क्रिप्ट डाली, तभी बनोगे ना गूगल के डेवलपर, जब ऐसा करने की आदत रखी होगी तो पेज पे, ठीक है। वो कथा के हिसाब से ओएल के अंदर एलआई बना, फिर एलआई बनाते हैं, कथा है, ठीक है। तो कथा के हिसाब से कभी डेवलपर बनी नहीं सकती, तो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना है, थोड़ा फास्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है, कि भाई कैसे शॉर्ट हो सकता है, कैसे और कम कर सकता हूं, ठीक है। हमने यहां पर लिख दिया जावा सी कंट्रोल प्लस एस, सेव किया, जाकर मैं पेज पर देखूं तो क्या हो जा रहा है,
1, 2, 3, 4, 5 कुछ से नंबरिंग पड़ गई, मुझे टाइप चेंज करना है तो मैं कहां पर जाऊंगा, ओएल के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करूंगा, कौन सा टाइप, जो भी टाइप मेरे को देना होगा मैं टाइप मेंशन कर दूंगा, लेट्स से मैंने स्मॉल ए लिखा, जाकर पेज पर देखूंगा तो स्मॉल ए मेरे को मेंशन करा हुआ दिखाई देगा। मैं आगे बढ़ा, दूसरा जो लिस्ट होता है वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, आपने लिखा यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल के अंदर भी क्या बनते हैं एलआई ही बनते हैं, आपने एलआई बनाया, लेट्स से आपने एलआई लिख दिया, कुछ भी एक एलआई लिख देता हूं, मैंने लेट्स से यहां पर मेंशन कर दिया पीएचपी एलआई पाइथन एलआई सी प्लस प्लस एलआई डॉट नेट, इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया, कंट्रोल प्लस एस सेव किया, जाकर मैं पेज पर देखूं तो क्या होगा, बुलेट पॉइंट्स बन के आ रहे हैं। इस बुलेट पॉइंट को एचटीएमएल वाले जो बंदे हैं वो बोलते हैं डिस्क, डी आई एस सी, ये बुलेट पॉइंट हमारे लिए तो ये बुलेट पॉइंट है, एचटीएमएल वालों के लिए क्या है, डिस्क है, जैसे घर में मेरे लिए तो सुई है, डॉक्टर के पास जाऊंगा तो इंजेक्शन है, ठीक है, इंग्लिश में दिस है, मेरे लिए यह है, तो ये बुलेट पॉइंट्स बन रहे हैं, उनको बोला जाता है डिस्क। कैसे बन रहे हैं, बाय डिफॉल्ट बन रहे हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट क्या आ रही है ओएल पे नंबरिंग आ रही है, यहाँ पर डिस्क आ रहा है, मैं टाइप चेंज कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्या टाइप इज इक्वल टू जो भी टाइप देना है, तीन टाइप हो सकते हैं, इस टाइम पर मुझे याद रखना है डिस्क स्क्वायर और सर्कल, ठीक है, डिस्क स्क्वायर और सर्कल, अगर मैंने सर्कल लिख दिया टाइप चेंज किया, ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं आ रही है इसलिए मैंने याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मैं इसे सर्कल देखता हूं तो ये क्या हो जाता है सर्कल हो जाता है, अगर मैं यहां पर स्क्वायर लिख देता हूं तो क्या बनेगा, वो स्क्वायर बन जाएगा, सेव किया, जाकर मैं पेज पर देखूं तो मुझे क्या मिलेगा स्क्वायर में, अब जब मैं पढ़ रहा होता ये तो क्लास 8th के बच्चे को बताते कि यूएल के अंदर क्या आते हैं एलआई आते हैं, अब बना रहा हूं डेवलपर हूं यूएल के अंदर क्या बनाने हैं एलआई बनाने, कितने बनाने हैं 5 बनाने हैं, बन गए, बस बीच में क्या कर देता डेटा डाल देता, ठीक है, तो वीएस कोड डेवलपर की हेल्प कर रहा है, ठीक है, कि भाई कोड को जल्दी लिख पा दो, ठीक है, तेरे लिए एमएट एब्रिविएशंस मैंने दे रखी है, तो लॉरम का यूज कर, ठीक है, तो जल्दी पेज को डेवलप करके दे, वैसा एडिटर है वीएस कोड, इसलिए जो भी डेवलपर होगा वो रिकमेंड किसको करेगा, वीएस कोड को, जो टीचर होगा वो नोटपैड को रिकमेंड करेगा, समझ रहे, टीचर क्यों, क्योंकि वो आपको बीसी टैग पढ़ाएगा, जो किताब में है उतना ही पढ़ाएगा, कहेगा इसके अलावा होता ही नहीं है, इसके अलावा नहीं आता हमें, जबकि बहुत सारा है भाई, ठीक है, तो थोड़ा सेंस के हिसाब से आपको मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगला फ्यूचर आप हैं देश का, आप कहीं सीमित ना हो जाए, इतना ही होता है बस, कल के दिन कोई नया एडिटर आएगा तो बहुत सारी और हेल्प कर सकता है, वैसे तो वीएस कोड वाले कुछ ना कुछ अंदर करते रहेंगे, ठीक है, आपके लिए नया नया बनाते रहेंगे, इसीलिए मैंने बोला ये शॉर्टकट्स भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पेज पर कुछ भी डिफाइन कर रहे हो, लेट्स से मैंने अभी सिंपल यहाँ पर लिख दिया पीएचपी पाइथन जावा, अगला लेट्स से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया सी, कुछ भी एक लैंग्वेज यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी सी प्लस प्लस कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, या फिर लेट्स से मैंने यहाँ पर भी क्या लिखा हो पीएचपी लिखा हो, ठीक है, और सेव किया कंट्रोल प्लस एस, और जाकर मैं पेज पर देखूं तो क्या हो रहा है पीएचपी लिखा हो रहा है, ठीक, अगर मान लो मैं ये चाहता हूं कि जहां जहां पर मैंने पीएचपी लिखा है वहां पर डॉट नेट हो जाए, जहां जहां पर भी लिखा है वीएस कोड के अंदर सब पर मैं क्या चाहता हूँ उसकी जगह पर डॉट नेट हो जाए, जहां जहां पर मैंने अमित लिखा है उस जगह में क्या हो जाए सुमित हो जाए, फिर तो वीएस कोड में फिर से एक शॉर्टकट है, आपने इसे सिलेक्ट किया कैसे, कंट्रोल प्लस कैसे करते हैं शिफ्ट का यूज करते हैं ना, ऐसे कुछ शिफ्ट और एरो का, ठीक है, मैंने कंट्रोल प्लस डी दबाया, नोटिस करना क्या दबाया उसके बाद कंट्रोल प्लस डी, पहले सिलेक्ट किया दे
दोबारा से वापस जाता हूँ, पहले इसे सेलेक्ट किया, ठीक है, कैसे, स्विफ्ट और एरो का यूज करके, राइट एरो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैंने दबाया कंट्रोल प्लस डी, देखो कर्सर दो जगह पे आ रहा है, कंट्रोल प्लस डी मल्टीपल सेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है, और फिर आपने यहां पर लेट से क्या कर देना था, इसे डॉट नेट कर देना था, दोनों जगह पर क्या हो गया, डॉट नेट हो गया, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए क्या यूज होता है, कंट्रोल प्लस डी यूज होता है VS Code में। अब नोटपैड पे हो सकता था क्या ऐसा, ठीक है, जब फ्यूचर पे आप काम करते हैं ऐसे एडिटर्स इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं। अगर मुझे इटैलिक करना है तो मैं यहाँ पर ईएम करूंगा, बट अभी यहाँ पर नोटिस करना, देखो अब बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर एलआई के अंदर जो जावा लिखा हुआ है उसे मुझे इटैलिक करना है, अगर नोटिस किया जाए तो वो क्या चाहता है, इस पर डिजाइन करना, अगर उसके हिसाब से देखी जाए तो ये क्या है, मेरे पास एक डस्टर बना पड़ा है, अब इस डस्टर पे वो चाहता है कि सर इस डस्टर का शेप चेंज हो जाए, यही तो कहना चाह रहा है, तो ये क्या है डिजाइन, मतलब मुझे किसी खांचे पर इसे दोबारा से डालना पड़ेगा और फिर उसे क्या करना है, चेंज करना है। अब डिजाइन वाला पार्ट होना किसका चाहिए, सीएसएस का, यहां पर तो मैं ईएम करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है, बट ये पार्ट किसका है, सीएसएस का, क्लियर, समझना है इन बातों को, ये सीएसएस के थ्रू हो सकता है, सीएसएस में प्रॉपर्टी है, अभी दिखाते समय तो आपको बना दे लो ईएम, क्योंकि पढ़ा रखा है आपको ईएम, ठीक है, तो फ्यूचर को ऐसे समझना होता है कि भाई ईएम से दिखा दो दूंगे कि भाई ले बन गया ईएम से, हो गया जावा, ठीक है, बट यूज क्या करना चाहिए मुझे, सीएसएस यूज करना, क्योंकि सीएसएस में प्रॉपर्टी होगी, इटैलिक करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक हो, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, करने के लिए आप कर दो यार, ईएम दिख तो रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है, जब हम मान लो सीएसएस में प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आपको पता है यार ईएम से हो जाएगा, चलो इसी को कर ले, ठीक है, वरना कोशिश ये करी जाएगी कि डिजाइनिंग वाले पार्ट को सीएसएस पर ही जाना चाहिए। अगली चीज हमारे पास जो तीसरी लिस्ट होती है, अब यहां पर आप डिस्क स्क्वायर सर्कल कर सकते हैं, डिस्क बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, डिस्क की स्पेलिंग DISC है। अगली चीज, अगला जो लिस्ट है वो हमारे पास है डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट को कैसे लिखते हैं, DL, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर पहला आता है डेफिनेशन टर्म, टर्म पे मैंने कुछ भी डिफाइन कर दिया, लेट से मैंने डिफाइन कर दिया HTML, कुछ भी लिख दिया डेफिनेशन टर्म। अगला डेफिनेशन टर्म के बाद आता है डेटा की डेफिनेशन DD, जो भी आपने टर्म लिखी है उसकी क्या डेफिनेशन, कोई भी एक डेफिनेशन डाल देता हूं, क्या यूज किया मैंने लॉरम, लेट्स से 30 वर्ड्स, एंटर प्रेस कर दिए, कितने वर्ड्स आ जाएंगे इसके पीछे, 30 वर्ड्स आ जाएंगे, डोबी डेफिनेशन होगी HTML की, उठा के कल के दिन कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, इसको रिमूव कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो अभी मैंने एक टर्म लिख दी है जिस पर डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है, और जाकर अगर पेज पर देखूं तो एक टर्म लिखी हुई है और उसकी सब कैटेगरीज ऐसी बन किया जा रही है। अब किसी बच्चे ने मेरे से कहा कि सर HTML को थोड़ा हेडिंग के फॉर्म में क्या दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है, साइज बढ़ाना है, हेडिंग देनी है तो आप CSS से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस पर कलर देना है, इस पर अंडरलाइन देनी है, साइज बढ़ाना है, फॉन्ट चेंज करना है, इटैलिक करना है, तो आप CSS से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब HTML यूज कर रहे हो, H1 के अंदर यूज कर रहे हो, तो आप देख रहे हो एक लाइन का गैप बन जा रहा है, अब नहीं चाहिए क्या हो गया, तो CSS चाहिए ना फिर, समझ रहे इस बात को, ठीक है, तो थोड़ा आगे को बोल के चलाना पड़ता है, नहीं चलाऊंगा तो फिर पूरा टीचर की तरह रट्टा मरवाऊंगा तुमसे, ठीक है, फिर जो टैग पढ़ाए जाएंगे उतने तुम्हें रटे हुए होंगे, उसके अलावा तुम समझ नहीं पाओगे। तो ये जो काम है, जैसे ही H1 देते हैं तो वैसे क्या हो जाता है, लाइन का ब्रेक होता है, बट मैं तो नहीं चाहता हूं सर लाइन का ब्रेक, मैं चाहता हूं कि ये हेडिंग बने
और लाइन ब्रेक ना हो, इस पर कलर आए, इसका साइज बढ़े, तो यार यूज कर सीएसएस। क्लियर? कंट्रोल प्लस एस। अगला मैंने टर्म डिफाइन किया टीटी, मैंने लेट्स से इस पर डिफाइन कर दिया डीटी डेफिनेशन टर्म, कोई भी एक डेफिनेशन टर्म दे दी सीएसएस, और इसका डेफिनेशन डीटी, कोई भी एक डेफिनेशन डाल दी लॉरम 30 वर्ड्स, कंट्रोल प्लस है, सेव कर। अब एक टर्म लिख दी है मैंने सीएसएस, उसके अंदर क्या आ रही है, डेटा की डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है, जाकर मैं पेज पर देखूं तो एक टर्म है उसकी क्या आ रही है डेफिनेशन। एचटीएमएल बेसिकली एक स्ट्रक्चर बना रहा है, कुमार की तरह घड़ा बनाता है बस, उस पर लुक एंड फील नहीं लेके आता है, और जो भी टैग लिखते हैं वो सबके सब कहां पे आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हैं। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अगली चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास, अब मान लो आपने पेज बनाया है, ठीक है, ये आपने प्रॉपर लुक एंड फील कर रखा है, पेज का फॉर्मेट अगर ठीक करना है, पेज सही से अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑल्ट शिफ्ट एफ की का यूज करो, ऑल्ट शिफ्ट एफ, जो क्या करती है पेज को फॉर्मेट कर देती है। अब ये जब पेज का फॉर्मेट हो चुका है तो ये पढ़ने में और देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, दाएं बाएं हो रहे थे ना टैग, अगर आपके पास पेज ऐसे लिखा है, अबाउट डॉट एचटीएमएल लिखा है, आप इस पेज को देखो, ये टैग कोई कहीं आ रहा है, कोई कहीं हो रहा है, इस तरीके का हो रहा है, अगर आप इसे ऑल्ट शिफ्ट एफ दबाएंगे तो पेज क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, जब पेज फॉर्मेट होगा तो टैग प्रॉपर सेट हो जाएंगे। जब आप काम कर रहे हैं कहते नहीं कि भाई ये क्या कर रखा है, जब बचपन में आप कॉपी देखते थे तो आपका टीचर आपसे बोलता था, मेरा टीचर भी बोलता था, ये क्या करो तुमने एक लाइन का गैप नहीं छोड़ रखा, पैराग्राफ को तुम थोड़ा सा दो उंगली छोड़ के नहीं लिखते हो, ठीक है, हेडिंग लिखते हो तो प्रॉपर लाइनिंग नहीं करते हो, कुछ भी करते रहते हो, ठीक है, आपने कोई कोड लिखा है कहीं आप फंसे हो, आपको किसी से पूछना है तो आप दाएं बाएं लिखा हुआ कोड थोड़ी उससे इस्तेमाल होगे, आपने पेज को फॉर्मेट कर दिया है तो फॉर्मेट है तो आप क्या है, पेज पढ़ने लायक है। शॉर्टकट की कौन सी, ऑल्ट शिफ्ट एफ, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस। अगली लाइन, जैसे मैंने एक फाइल क्रिएट करी, अगला एक पेज बना रहा हूं ब्लॉग डॉट एस टी एम एल, मैंने यूज किया शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क ऑल्ट प्लस जेड, मेरे पेज पर यूज हो रहा है इसलिए मैं शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क यूज कर रहा हूं, आपके पे नहीं हो रहा है तो कंट्रोल प्लस स्पेस दूसरा एस टी एम एल सैंपल। यहां पर हम पेज पर आए, हमने लिखा, अब हमें बनानी है मान लो टेबल बनानी है पेज पर, टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग, टेबल टैग, टेबल टैग के अंदर आप कुछ भी बना रहे हैं, जैसे आपने क्या बनाया टेबल की रो टी आर, इस रो के अंदर आपको मान लो एक टेबल बनानी है, जिस टेबल पर ऐसा चाहिए कि सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, टेबल तो सबको पता होगा ना, ठीक है, तो अगर ऐसा करना है तो आप पहला कॉलम बनाना चाहते हैं, उसको बना रहे हैं आप टी एच से, टी एच का मतलब है टेबल की हेडिंग, टी एच के अंदर आपने पहला कॉलम बनाया, लेट्स से पहला कॉलम बनाया सीरियल नंबर, अगला कॉलम आपने बनाया टी एच आपने डिफाइन किया, लेट्स से इसके अंदर दे दिया एम्प्लॉय नेम, अगला कॉलम आपने बनाया तो अगला कॉलम कैसे, यहां पर फिर से टी एच, देखो लिखते समय भी बड़ा कंफ्यूजन है कि कहां कहां कर रहा हूं, इससे अच्छा क्या करूं ऑल्ट शिफ्ट एफ दबाऊं फॉर्मेट हो जाएगा, आप समझ में आएगा कहां पर है, एक रो बनी है उसके अंदर पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम एम्प्लॉय नेम, अगला कॉलम एम्प्लॉय सैलरी, मेरे लिए भी आसान है ना, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस सेव। अगली लाइन, लेट्स से मैंने एक टी आर यूज किया टेबल की रो, इस टेबल की रो के अंदर पहला मैंने हेडिंग डिफाइन कर दी टी एच, अब डेटा डालना है तो डेटा अगर आप डालना चाहते हैं तो यूज करेंगे किसका, टीडी का, अभी तो आपने सिंपली हेडिंग्स बना रखी है, यहां आपने हेडिंग्स बना रखी है, सिंपल कंट्रोल प्लस एस, अगर जाकर आप पेज को देखते हो तो ब्लॉग डॉट एचटीएमएल से मैं ओपन करता हूं, ओपन विद टाइप सर्वर, आप जाकर देखना यहां क्या बन रहा है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, और अब टेबल पे बॉर्डर नहीं आ रहा है ना,
ठीक है, तो HTML का टीचर रिकमेंड करता आपको कि भाई टेबल पर बॉर्डर एक एट्रीब्यूट होता है, जिस एट्रीब्यूट को आपने दे दिया, जैसे आपने 2 pixel लिख दिया, एट्रीब्यूट क्या मतलब टेबल के साथ में कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं, बॉर्डर दे रहे हैं, आपने 2 pixel लिखा, सेव किया और जाकर पेज पर देते हो तो 2 pixel का आपको बॉर्डर दिखेगा। मैं रिकमेंड करता कि भाई जब टेबल पे बॉर्डर नहीं आ रहा है तो CSS से हो जाएगा, फिर HTML पढ़ाते समय HTML का टीचर आपको रिकमेंड करता है बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है, बॉर्डर लगाते हो जाता है, ठीक है, जबकि काम तो बॉर्डर फिर से साड़ी का किनारा बनाना है, ठीक है, कटाफटा आ रहा है, फिर टेलर चाहिए ना, ठीक है, तो सेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बन तो यहां से रहा है बट CSS का पार्ट है बेसिकली, ठीक है, कि बॉर्डर आए, बॉर्डर कैसा आए, सॉलिड आए, डैश्ड बॉर्डर चाहिए, डॉटेड चाहिए, कैसा बॉर्डर चाहिए, वो वहां पर डिफाइंड होगा, सिंपल दिखाने के लिए बॉर्डर एक एट्रीब्यूट यूज कर दिया गया है। अगली एक लाइन, हर एक पॉइंट को सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है, अभी मैंने ये बोला कि अगली चीज ऐसे दिमाग को नहीं समझ में आती है, इसीलिए टीचर गायब कर देते हैं, उस बात को बताते ही नहीं अगली बात, ठीक है, आपको क्लास 10th में लास्ट चैप्टर में क्यों पढ़ाया जाता है ऐसा टीचर नहीं पढ़ाता है, जिस बच्चे को समझ में आ गया वो तो आगे बढ़ गया, जिसको बताया नहीं गया उसको लगता है कि यार अब क्या करूं, मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही, ठीक है, तो अगली पॉइंट्स हैं ये, बस खाली नोट करने हैं, अभी नहीं आ रहे होंगे, बहुत सारे को समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे को समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, खाली सुनना है बस, दो कान भगवान ने दे रखे हैं, दूसरे से निकल भी रहा है तो कोई बात नहीं, निकलने दो, कुछ ना कुछ अंदर रहेगा, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आने वाली बातें हैं। TR एक रो अगली क्रिएट करी, डिफाइन कर दिया क्या, TD कोई भी एक डेटा, लेट्स से सीरियल नंबर मैंने डिफाइन कर दिया 1, और जो HTML में आप कर रहे हैं वो एक स्टैटिक डेटा है, जो मैंने लिखा है वैसा ही मेरे को पेज पर दिखेगा, कहीं से आके चेंज नहीं हुए, स्टैटिक है। मैंने एक नाम डिफाइन कर दिया, लेट्स से इस पर अमित लिखा, और TD मैंने डिफाइन करा, और लेट्स से सैलरी डिफाइन कर दी कोई भी 4000 सेमेस्टर सैलरी, और जाकर मैं पेज पर देखूंगा तो एक अगली रो बनी होगी, जिस रो के अंदर TD से मंथ टेबल का डेटा बना हुआ आएगा, एक एक TD, पहला TD, दूसरा TD, तीसरा TD, TH और TD में आप डिफरेंस देख रहे होंगे, TH पे जो चीज लिखी है वो थोड़ा हेडिंग फॉर्म में आ रही है, बोल्ड आ रही है, तो TD में लिखा है वो बोल्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, अगली चीज मैंने डिफाइन करी, अगला अगर मुझे रो बनानी है तो मैं फिर आगे बढ़ा, TR के अंदर पहला डिफाइन कर दिया क्या, TD, लेट से कोई भी एक TD डिफाइन कर दी 2, और लेट से आपने TD एक डिफाइन कर दिया, सुमित लेट से इसको लिख दिया, अगला एक डेटा जिस पे आपने फिर से TD लिखा, और TD के अंदर कोई भी एक डेटा डाल दो, लेट से 6000, Ctrl+S, सेव किया, जाकर अगर पेज पर देखेंगे तो आपको क्या दिखेंगे, अगला डेटा मिले, आप अगली डेटा पर आए, लेट से फिर से एक TR डिफाइन किया, फिर किस तरीके से TR TD से कोई भी एक डेटा, अब इस डेटा पर मैं एक काम करता हूँ, एक ही TD डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे को क्या करना पड़ता है, TD3 फिर TD जो भी डेटा है, जैसे मैंने अंकित लिख दिया यहाँ पर, फिर मैं एक TD डिफाइन करता, फिर मेरे पास क्या आता, मेरे को सैलरी वैलरी डालनी है, मैंने 7000 डाली, तो ये तो मुझे पता है कि भाई TR के अंदर TD कितने TD जितने TH है उस हिसाब से मैं TD लिख रहा हूँ, 3 TH है तो TD भी कितने लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सिंपल डिफाइन किया, Ctrl+S, सेव किया, जाकर अब इस पर देखूँ तो क्या बन रही है, अगली रो जिस पर 3 डेटा, एक ही डेटा बनाना है, एक ही रो बनानी है और उस पर एक ही डेटा बनाना है, मैंने लिखा TR, इस पर TD लिखा, कुछ भी लिख देते हैं कॉपीराइट बाय ड्यूकेट इंडिया, ठीक है, ऐसा कुछ लिख देना है, कॉपीराइट बाय ड्यूकेट इंडिया, कॉपीराइट में आपने नोटिस किया होगा कॉपीराइट का एक सिंबल आता है, ठीक है, अभी तो ये एक ही TD बना है ना, ठीक है, आपको चाहिए सिंबल, वो सिंबल आता है, नोटिस करना है यहाँ पर, और जो बच्चा आप इंटरनेट के साथ में पढ़ना चाहता है तो वो सही जगह पे पढ़ रहा है और सही बंदे से पढ़ रहा है, उसको कुछ करना है लाइफ में, ठीक है, जो बंदा किताबी रट्टू है तो मुझे लगता है कि मैं उसे शायद समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो किताब तो छोड़ देंगे भाई मेरे साथ में, ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट है और ये आखिरी स्टेटमेंट,
इंटरनेट है, ठीक है, ये बताएगा देखो कैसा सिंबल आता है, क्योंकि मैं याद करके थोड़ी बैठा हूँ कैसा सिंबल आता है, ठीक है। कॉपीराइट का सिंबल ये है ना सी वाला, मुझे इसे एचटीएमएल पे लगाना है, ठीक है। तो अब एचटीएमएल पे कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पर सर्च करेंगे, क्योंकि काफी सारे सिंबल्स होंगे, सम का सिंबल है, पाई का सिंबल है, एरो का सिंबल है, पान के पत्ते का सिंबल है, हंसने का है, रोने का है, होता है ना वो चैट पे करते हैं इमोजीज, ठीक है। तो मेरे को याद थोड़ी होंगे हर चीज, कैसे किया यहाँ पर नोटिस कर रहा, मैंने यहाँ पर लिखा एचटीएमएल सिंबल, सिंबल कुछ भी सर्च कर दी, एचटीएमएल सिंबल सर्च कर लिया। बेसिक सी वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ, W3 स्कूल, जो कि W3 ऑर्गेनाइजेशन ने ही रिकमेंड किया है, बेसिक से पढ़ने के लिए आप आए तो ये बेसिक सी एक वेबसाइट है, जिसमें आप एचटीएमएल सिंबल्स पर अगर जाते हैं, एचटीएमएल सिंबल्स में देखिए ये सिंबल्स लिखे गए हैं और उन सिंबल्स के आगे उनके कोड लिखे गए हैं, या तो पहला वाला या फिर दूसरा वाला, जो भी कोड आपको यूज करना है, देखो पाई यूज करना है या तो पहला वाला या फिर दूसरा वाला, ठीक है। आपको अगर कॉपीराइट यूज करना है तो ये है लिखा हुआ कोड, या तो ये या फिर ये, क्या करोगे कोड को कॉपी करोगे, ऐसे कितने याद करोगे। ऐसे एरो लगाना है तो देखो एरो के लिए भी क्या है सिंबल है, लेफ्ट लगाना है, टॉप लगाना है, राइट लगाना है, सबके लिए सिंबल होते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो बेसिक आपका टीचर पढ़ाता है आपको, कहता है कि भाई सबसे पहले लो लेवल की लैंग्वेज थी, फिर असेंबली लेवल आई, फिर आई हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल की लैंग्वेज में आप मशीन कोड्स का यूज करते थे, 0, 1, 2, 3, 4 ट्यूनिंग मशीन का यूज किया जाता था, पंच कार्ड के अंदर कोड को डाला जाता था, उसके बाद जब डेटा आता था, हो सकता है 2+2 का आउटपुट भी एक हफ्ते के अंदर आता है, अगर आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया तो गलत जगह पढ़े थे। फिर उसके बाद जब असेंबली लेवल का कॉन्सेप्ट आया तो क्या हुआ, उन जो कोड्स को हम लिखते थे, मतलब दो को हमें कन्वर्ट करना पड़ता था बाइनरी लैंग्वेज में, जब असेंबली लेवल की लैंग्वेज आई तो आप दो को दो लिखने लगे, प्लस करना था तो प्लस की जगह पर ऐड एक कोड यूज करने लगे, जिसे सीडो कोड बोला जाता है या फिर मिनोमोनिक्स बोलते हैं। उसके बाद अगली चीज टू, जब टू ऐड टू लिखते थे तो आप क्या कर रहे हो, अब 4 आ रहा है। ऐसा असेंबली लेवल का यूज आप प्रोसेसर को बनाने में करते हैं। अगला जो आज स्टैंडर्ड आ गया है वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज का है, जिसमें आप अपनी कॉमन लैंग्वेज को लिख पा रहे हैं, हेलो लिखकर हेलो प्रिंट हो रहा है, गुड मॉर्निंग लिखते हो प्रिंट एफ के अंदर तो प्रिंट एफ में क्या होता है गुड मॉर्निंग होता है, जैसा लिखते हो वैसा दिखता है पेज पर, आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। बट इसके लिए पीछे क्या बन रहे हैं, कोड बने हैं, आपने वो उस पर्टिकुलर कोड को कॉपी और पेस्ट करना है बस। अब इतने सारे कोड्स तो हम याद नहीं कर सकते, जो भी यूज करना है, जैसे कॉपी कोड है या नंबर वाला कोड है, उठाया मैंने कॉपी किया Ctrl+C और जाकर पेज पर कहीं पे भी कॉपीराइट बाय, लेट्स से मेरे को यहां पर चाहिए तो मैंने सिंबल जो भी था उसको कॉपी और पेस्ट किया, जाकर मैं पेज पर देखूं तो मुझे वो कोड दिखाई देने वाला है। देखो दिख रहा है कॉपीराइट। अब किसी बच्चे ने मेरे से कहा सर मैं व्हाट्सएप पे चैट करता हूँ, वो इमोजीज जो है ना वैसे कैसे आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो डिजाइनिंग है, ठीक है। तो आप देखना इसी के नीचे लिखा हुआ है एचटीएमएल सिंबल का इमोजीज, लिखे हैं इमोजीज, आप इमोजीज पे जाओ, देखो कोई भी कोड चाहिए। अब यहाँ पर नोटिस करना इमोजीज के लिए कोड बने पड़े हैं, आपको ये चाहिए ना हंसने वाला, ये क्या लिखा है नंबर, कोई भी कोड है ना, आप कितना याद रखोगे ऐसे कोड, ठीक है। मैंने इस कोड को कॉपी किया और पेज पर आया, बस मैं ध्यान रख रहा हूं कि भाई जब भी ये कोड लिखा गया है उस कोड के आगे एंड लिखा है और क्या लिखा है, हैश लिखा है और पीछे लेस सेमीकोलन लगा है, ऊपर लिखा है ना वो कोड, देखो उस कोड में 169 में हैश लिखा आगे और क्या लिखा है एंड लिखा है, ठीक है, पीछे सेमीकोलन लगा है। जो भी नंबर था मैंने उसे कॉपी और पेस्ट किया, सेव किया, जाकर मैंने पेज पर देखा कि भाई ये कोड आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो आ गया हंसने वाला, क्लियर हुई बात। तो ऐसे देखो आप जब यहां पर जाओगे एचटीएमएल सिंबल्स में, यहां पर नंबर ऑफ सिंबल्स बने हुए हैं और नंबर ऑफ सिंबल्स के क्या बने हैं, कोड बने पड़े हैं। आप यहां पे क्लिक करो एचटीएमएल इमोजेस रेफरेंस, ओके प्रेस किया, ऐसे डेवलपर्स यूज करते हैं बिकॉज ऑलरेडी दैट हैज बीन मेड, आपके पास ये कोड बने पड़े हैं, ये देखो जो भी चाहिए आपको नंबर लिखे हैं उसके आगे, ठीक है, बस कॉपी पेस्ट आगे डॉल एंड और हैश लगा देना है, बस वो सेम कोड क्या होगा बना हुआ आ जाएगा। एचटीएमएल में आपने कहा सर मेरे को घर चाहिए, इस कोड को कॉपी पेस्ट करो और क्या चाहिए आगे एंड और एस लगाओ बन जाएगा घर,
ठीक। तो ये बेसिक सी बातों को समझना है कि भाई HTML के सिंबल्स या फिर इमोजीज बने हुए हैं, उस बस सिंपली ऐसे लिखना है। यहाँ पर मैंने सिंपल सा जैसे लाफिंग ही बना दिया और सेव किया, और जाकर पेज पर अगर मैं नोटिस करूं तो ये हमारे पास पेज पर है। अब जो मैंने टीडी बनाया था, फोकस अपनी जगह पर कर, किस जगह पर, कि मैंने एक टीडी बनाया है, ये टीडी सिर्फ एक ही जगह पर है, ये तीनों को क्या नहीं कर रहा, कवर नहीं कर रहा है। ये टीडी तीनों को कवर करे तो वो कैसे कवर करता है, उसके लिए यूज किया जाता है एक एट्रीब्यूट, जिस एट्रीब्यूट का नाम है कॉल स्पैन। ठीक है, कॉल स्पैन पे मैंने मेंशन किया कितने कॉलम्स को बढ़ाना है, स्पैन मतलब बढ़ना, कितने बढ़ाने हैं, तीन बढ़ाने, तीन को कवर कर दे, तीनों पे कवर कर दे। मैंने लिखा कॉल स्पैन थ्री, जाकर मैं पेज पर देखूं तो कितने कवर कर जाएगा, एक थ्री को कवर कर दिया, कौन, ये पर्टिकुलर टीडी। इंटीरियर आपसे टेबल टैग नहीं पूछता है, टीचर होता तो वो पूछता टेबल कैसे बनती है, टीआर क्या होता है, टीएच क्या होता है, टीडी क्या होता है, इंटीरियर पूछेगा कॉल स्पैन क्या होता है। टेबल पढ़िए, हाँ पढ़िए, बता फिर कॉल स्पैन क्या है। ठीक है, इंटीरियर को जो चाहिए वो ये चाहिए, इंटीरियर पूरा टेबल नहीं पूछने लगे रहेगा कि टेबल बनाकर दिखाओ, टेबल में टीडी क्या होता है, टीडी क्या होता है। एचटीएमएल पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है। टेबल पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है। टेबल में कॉल स्पैन क्या होता है, सर कुछ नहीं, कॉल स्पैन मतलब कॉलम्स को बढ़ाना, कितना बढ़ाना है मेंशन कर दो, पर्टिकुलर टीडी बढ़ा दो। ठीक है, बस हो गया आंसर, एक लाइन पे खत्म। लगे पड़े, नहीं सर वो टेबल बनाते थे, टेबल में टी आर लिखते हैं, फिर टी एस लिखते हैं, फिर टी डी लिखते हैं, फिर ऐसा करते हैं, ये कॉलेज है मेरे दोस्त। ठीक है, थोड़ा समझ रहे किस लेवल पे बात करी जाती है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, कि बंदा सोचता है कि यार कोई थ्योरी 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 चलती होगी, बंदा पूछता होगा एक एक करके टैग, कुछ नहीं पूछता है वो, इवन ही मैसेज लगाना नहीं पूछेगा, अगर एस टी में आता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन टेबल भी पूछ लेगा, आगे बढ़ जाएगा सी एस में, बता दे पोजिशन क्या होती है, आंसर पोजिशन बताया, अगला टेक्स पढ़ा है, हाँ पढ़ा है सर, ग्रिड पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, पेज है ये बना दोगे, हाँ सर बना दोगे, बस हो गया। आपने बना दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं, थ्योरी का तो कोई लेना देना ही। स्टेप समझो, ठीक है, बनाओगे कैसे, जब तक आप इसे टाइप ही नहीं करोगे तो आपको तो आएगा ही नहीं। जो बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज दोबारा से लॉग इन करना, तो कॉल स्पैन मतलब कॉलम्स को बढ़ाना होता है। ठीक है, इन सिंबल्स का यूज आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं पेज बनाते समय। ठीक है, मैंने टेबल के अंदर पढ़ा दी है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि तो बोरिंग ना हो इसीलिए मैं ऐसा कर देता हूँ, बीच में नई चीजें ऐड। चलाना सही है, थोड़ा थ्योरी के हिसाब से भी चले तो ज्यादा बेटर है। कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं,